तो दोस्तों आज जो है वीडियो के अंदर मैं आपको फर्नेस की मदद से एक सीक्रेट डोर बना के दिखाने वाला हूँ। तो ट्रिक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हमें ब्लॉक्स हटाने हैं, देन यहाँ पे कंप्रेटर लगाना है, कंप्रेटर को रेड स्टोन डस्ट से हमें वायरिंग कर देनी है, देन यहाँ पे हमें एक सीक्रेट डोर जो हमारा लाइब्रेरी की तरफ जाएगा वो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम दरवाज़ा बना लेते हैं, देन यहाँ पे हमें एक ब्लॉक रखना है, उसके ऊपर रेड स्टोन डस्ट लगाना है, देन यहाँ पे दो लगाने हैं पिस्टन स्टिकी और उसके ऊपर लगा देने हैं हमें सैंड ब्लॉक। तो यहाँ पे हम अपना जो एरिया है उसे वापस पूरा का पूरा पैक कर देंगे और ये हमारा हो गया रेडी दरवाज़ा। तो यहाँ पे अब हमें लगाना है अंदर कोबल स्टोन, जिससे हमारा जो है सिग्नल जाएगा और सिग्नल जाने के बाद जो है डोर है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ। ट्रिक नंबर टू बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप एनिमल फार्म बनाते हैं तो यार बहुत सी बार आपने देखा होगा आपके जो एनिमल के फार्म्स के जो गेट होते हैं वो खुले रह जाते हैं और जो आपके एनिमल है वो बाहर आ जाते हैं। तो आपको सिंपल सा ट्रिक करना है, फेंस को इस तरह से लगाना है, उसके बाद अगर आप गेट खुला भी छोड़ देते हैं तो आपका कोई एनिमल बाहर नहीं आएगा और आप आसानी से अंदर फार्म के जा पाएंगे। तो यार एक बहुत ही सिंपल ईजी ट्रिक है जिसको आप अपने एनिमल फार्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था, पिस्टन के ऊपर हमने रेडस्टोन ब्लॉक लगाया, देन बुकशेल्फ को माइन कार्ड के अंदर डाल दिया। इससे हमें मिल गई एक सीक्रेट चेस्ट जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं बुकशेल्फ के कॉर्नर पे जाके, जिसे आप देख सकते हैं ओपन का बटन आ चुका है। इसे ओपन करेंगे और हमारा जो भी कीमती सामान है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर भी कोई चेस्ट हो सकती है। तो यार ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे पहले लगाने हैं स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन की करेंगे हम रेडस्टोन डस्ट से वायरिंग करेंगे हम इस तरह से, देखते रहिएगा यहाँ तक। देन हमें लगानी है एक रेडस्टोन टॉर्च। स्टिकी पिस्टन के आगे हम लगाएंगे बुकशेल्फ्स और पूरी वॉल यहाँ पे हम कवर कर देंगे। देन हमें यहाँ पे लगानी है एक प्रेशर प्लेट और एक लगाएंगे लीवर। तो आप इस तरह से दिख रहा है, देन लीवर होम करते हैं प्रेस और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा स्टिकी पिस्टन का जो बेस था वो पीछे की तरफ चला गया। यहाँ पे करेंगे हम एक ब्लॉक डिग, देन यहाँ पे हम कर देंगे प्लेस कुछ चेस्ट। आते हैं एक बार फिर से लीवर, तो आप देख सकते हैं हमारी जो चेस्ट है वो बिल्कुल यहाँ से छुप गई है और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो यहाँ पे थी। देन यहाँ पे लगानी है हमें कुछ पेंटिंग्स जिससे वो बिल्कुल कवर हो जाए। ग्रास ब्लॉक का इस्तेमाल हम करेंगे, कंपोस्टर में डालेंगे सारी की सारी, देन हमें मिलेगा एक बोन मील। सर इसके लिए आप एक मिनी फार्म भी बना सकते हैं कंपोस्टर का यूज करके। तो फटाफट से बनाते हैं फार्म। सर सबसे पहले प्लेस करते हैं चेस्ट। चेस्ट के ऊपर लगेगा एक हॉपर, हॉपर के ऊपर लगेगा एक कंपोस्टर, देन कंपोस्टर के ऊपर एक बार फिर से लगाना है हमें हॉपर और इस हॉपर के ऊपर लगेगा चेस्ट। चेस्ट के अंदर डालेंगे बहुत सारे ग्रास ब्लॉक्स जो कन्वर्ट होंगे बोन मील के अंदर। तो फटाफट से देखते हैं इसका रिजल्ट। तो दोस्तों आप रेडस्टोन डस्ट की मदद से भी अपने वुड और आयरन गेट को खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लगानी है, देन लगाना है एक कंपरेटर, कंपरेटर के आगे लगेगा चेस्ट। चेस्ट के अंदर जैसे ही आप कुछ सामान डालेंगे आपका गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं ग्रास ब्लॉक्स, आप देखिए 3 स्टैक डाले बट ये नहीं खुला, बट अब चौथा स्टैक जैसे ही डालेंगे ये हो जाएगा ओपन। तो यार इसकी जगह अब हम एक बार आयरन गेट भी लगा करके ट्राई करते हैं आयरन गेट खुलता है या नहीं। तो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं एक आयरन गेट, देन वापस से डालते हैं ग्रास ब्लॉक्स अंदर।
तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रिक आपके आयरन गेट में भी काम कर रही है, आपको बटन लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से गैस स्टोव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक कैंप फायर। तो कैंप फायर यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे एक ब्लॉक, देन उसके ऊपर लगाएंगे एक पटरी और उसके ऊपर लगेगा माइन कार्ट विथ हॉपर। इस तरह से प्लेस करेंगे और नीचे वाला जो ब्लॉक है उसे हम तोड़ देंगे। तो जैसे ही हम तोड़ेंगे हमारा जो माइन कार्ट है वो नीचे आ जाएगा और एक ब्लॉक यहाँ पे लगा के इसे ब्लॉक कर देंगे। देन हम लगाएंगे यहाँ पे एक ट्रैप डोर आयरन का, देन उसके आगे लगेगा एक पिस्टन और पिस्टन के साथ में लगेगा एक रेडस्टोन ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक लगाएंगे पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जो गैस स्टोव है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी और सिंपल सी ट्रिक है। बैनर के इस्तेमाल से बनाएंगे हम अपने लिए बेड। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इस तरह से आपको बैनर लगाना है, देन कुछ स्टेयर्स आपको प्लेस करनी है इस तरह से, उसके आगे लगाएंगे हम बेड। तो यार ये जो है हमारा पूरा पूरा बेड की तरह दिखने लग जाएगा। और पीछे की तरफ लगाएंगे हम कुछ ट्रैप डोर्स और आगे की तरफ लगाएंगे हम कुछ ट्रैप डोर्स। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। साइड में हम बना देते हैं एक लैम्प दोनों तरफ, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा इस तरह से। और एक लगा देते हैं पेंटिंग। ये हमारा बेड तैयार है। सबसे पहले यहाँ पे लगाना है हमें ड्रॉपर। ड्रॉपर के ऊपर लगाएंगे एक ब्लॉक कोई सा भी, देन हमें यहाँ पे करना है एक आयरन के गेट को पेस। तो ये जो हमारा है हॉपर है ड्रॉपर है वो इस तरह से लगेगा। देन यहाँ पे हमें लगाना है एक बटन, बटन को प्रेस करेंगे गेट खुलेगा और ये हमारा काम कर रहा है। देन ड्रॉपर के अंदर हमें कोई सा भी फूड जो भी हम चाह रहे हैं सारे के सारे फूड हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ये यहाँ पे बटन दबाएंगे और एक एक चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे वो ड्रॉप करता रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सी और एक अच्छी सी ट्रिक है अपने फूड को यूज़ करने की। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लिए एक टीवी और उसके सामने एक सोफ़ा सेट भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके भी बताना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।